अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज हम बनाने वाले हैं स्मूदीज। जो लोग को डाइट करना है या फिर जो लोग डाइट नहीं भी कर रहे हैं, उनको कुछ भी इंस्टेंट चाहिए और फटाफट से ठंडा सा एकदम चिलिंग चाहिए, तो वो ये ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। और ये बनाना बहुत ईजी है, इसको बनाते बनाते हार्डली आपको 5 मिनट भी नहीं लगते। तो हमने आइस क्यूब्स लिए हैं 5 से 6, 2 ऑरेंज लिए हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही हम 4 चम्मच ले रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो हाफ बोल हम दही ले रहे हैं। जी हम आज 2 टाइप के स्मूदीज बना रहे हैं, एक है ऑरेंज क्रिम्सल्स और एक है सनराइज स्मूदी, ठीक है। अब हम स्वीटनिंग के लिए हनी ऐड करें। अगर आप स्वीटनिंग नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको स्वीट करना है तो आप स्वीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो हनी। हनी 2 चम्मच यूज़ करें, या फिर आप मेपल सिरप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप हनी या मेपल सिरप यूज़ नहीं करते तो यूज़ डेट्स। डेट्स मतलब खजूर। खजूर के बाद आपको ऐड करना है हाफ बोल कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बनाना बहुत ईजी है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको उसकी रेसिपी चाहिए, हम ज़रूर आपके लिए बनाएंगे। आपको इसे ग्राइंड कर देना है। अगर आपको इसमें बड़े बड़े पीसेस रखने हैं तो बड़े बड़े भी रख सकते हो, और अगर पूरा ब्लेंड करना है तो पूरा ब्लेंड कर सकते हो। और हमारा ऑरेंज क्रिम्सन रेडी है। अब हम बना रहे हैं सनराइज स्मूदी। तो सनराइज स्मूदी में भी हमने 5 से 6 आइस क्यूब्स लिए हैं, हमने एक पूरा बनाना लिया है। अगर किसी को फ्रोजन बनाना यूज़ करना है, दे कैन यूज़ फ्रोजन बनाना, या फिर डायरेक्टली बनाना यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करें 1 ऑरेंज। ऑरेंज की जनरली लोग स्किन निकाल देते, प्लीज़ स्किन ना निकाले, पूरा फाइबर यूज़ करिए। अब वापस से हम स्वीटनिंग ऐड कर रहे हैं, तो स्वीटनिंग के लिए हम हनी ऐड कर रहे हैं। आप डेट्स भी ऐड कर सकते हो या फिर मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल। फिर हम हाफ बोल कोकोनट मिल्क ऐड कर रहे हैं। कोकोनट मिल्क ऐड करना इज़ गुड ऑप्शन, मतलब कोकोनट मिल्क इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, ऑल वेगन्स ऑल्सो कैन यूज़ इट। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एक्सट्रैक्ट मतलब वैनिला एसेंस, वो सिर्फ फ्लेवर एनहेंसमेंट करता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये डालिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये आपको ऐड करना है 6 से 7 ड्रॉप्स अगर आपके पास हो तो। तो हमारा ये इसे मिक्सर में मिक्स कर देना। एक बार मिक्सर में मिक्स कर दिया तो हमारा सनराइज स्मूदी भी रेडी है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बनाना का डिफरेंस है और वैनिला एसेंस का डिफरेंस है, बट ये दोनों टेस्ट में अमेजिंग लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।